पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथोरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वह बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज चौहान और उनका दिल्ली पर उत्तराधिकार। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता इंदपाल की एक लौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज इंदपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया।